हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो आज अपन पढ़ेंगे हार्मोन की मैकेनिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कल तक अपन ने ग्लैंड सारी कंप्लीट कर ली, टेस्टिस, ओवरीज, पैनक्रिया, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, एवरीथिंग वी हैव डन। आज अपन शुरू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको कल मैंने कुछ चीजें बेसिक बताए थे, आज अपन शुरू कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगाता हूं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी कि हार्मोन के क्रियाविधि, हार्मोन के क्रियाविधि, है ना। तो आप देखिए किस तरह से होगा ये हार्मोन के ना। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए हार्मोन का वर्गीकरण, कौन से हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कौन से स्टीरोइड होते हैं, कौन से एमिनोमल के व्युत्पन्न होते हैं और कौन से आयोडीन के व्युत्पन्न होते हैं। तो अपन को अलग अलग एक सारणी बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन क्लासिफाई कर देंगे, यानी कि हार्मोन्स की केमिकल नेचर के आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहली प्रकृति है वो है एमिनो एसिड के व्युत्पन्न, यानी कि जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव्स, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, यानी ऐसे हार्मोन जिनका निर्माण, जिनकी उत्पत्ति एमिनो अम्ल से हुई है, ठीक है। वो आते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब आप देखिए किस तरह से क्या है ये, कुछ हार्मोन जैसे थायरोक्सिन, एग्जांपल लूं मैं, थायरोक्सिन कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन, दूसरा हार्मोन एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन, ये सारे के सारे जो एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन है और उस एमिनो अम्ल का नाम है टायरोसिन एमिनो एसिड। किससे बने हुए, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, टायरोसिन एमिनो एसिड के व्युत्पन्न है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायरोक्सिन किसका व्युत्पन्न है, कौन से एमिनो एसिड का, तो आपको पता होना टायरोसिन, एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन, जिसके दूसरे नाम आपको पता ही है क्या है, बताओ, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन, बता दिया था मैंने कल आपको, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो दो है, ये दो है, ये दोनों, इसके लिए खास बात याद रखना, ये दोनों हार्मोन तथा न्यूरोट्रांसमीटर दोनों है, ध्यान रखना, दोनों है, हार्मोन्स भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक एग्जांपल, दूसरा अगर मैं बात करूं मिलेटोनिन हार्मोन, याद करो आप, मिलेटोनिन किससे निकलता था, पीनियल ग्रंथि से, मिलेटोनिन हार्मोन, ये भी किसी ना किसी एमिनो एसिड से मिलकर बना, उसका नाम है ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड, क्या नाम है, ट्रिप्टोफेन, ये लीजिए साहब, पक्के क्वेश्चन है दोनों के दोनों, मिलेटोनिन और आपके कौन सा, आपके टायरोसिन एमिनो एसिड का पूछा जाता है दो का, क्लियर। ये लिखिए, ये दो है जो एमिनो एसिड के व्युत्पन्न से बने हुए हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी होगी कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन सा है, तो आपका सीधा आंसर आना चाहिए थायरोक्सिन है, एड्रेनलिन है, नोरएड्रेनलिन है, ये दोनों हार्मोन भी है और ये कौन से एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, ये आपके टायरोसिन एमिनो एसिड से बने हुए हैं, ठीक है ना, टायरोसिन के व्युत्पन्न है ये सारे के सारे जो बने हुए हैं, और ये किसके हैं, आपके ट्रिप्टोफान से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लिखिए आप, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, क्लियर। चलिए साहब ये लिखिए आप, फिर अपन दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जो है पेप्टाइड हार्मोन,
गया, चलिए लिखिए आराम से लिखिए। लिखिए साहब, नेक्स्ट जो है वो है पेप्टाइड से, वो है पेप्टाइड, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड है, पेप्टाइड, पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, समझ आ गया, पेप्टाइडेज। इसमें दो तरह के आते हैं, एक आते हैं शॉर्ट चेन और एक आते हैं लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन, ठीक है। तो शॉर्ट चेन के अंदर तो आपके एडीएच, एडीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के मध्य लोब से निकलता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं, जिनकी चेन छोटी होती है, श्रृंखला छोटी होती है। जो बड़ी चेन है उसके अंदर आप ले लो कौन कौन से, कैल्सिटोनिन, एसीटीएच, ये मुख्य रूप से आते हैं, कैल्सिटोनिन पता ही आपको, थायरोकैल्सिटोनिन, एसीटीएच और गोनेडोट्रोपिन जीआरएच, ये हार्मोन इसके अंतर्गत आएंगे। कैल्सिटोनिन आपको पता है थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन का नाम है, ये लॉन्ग चेन के अंदर आ गए, ठीक है, शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन। अब अपन बात करते हैं किसकी, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, तीसरा, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। चलिए साहब, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन ये कौन कौन से होते हैं, उनके आप एग्जांपल लिखिए, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सबसे ज्यादा यही है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, क्लियर। आंत्रीय हार्मोन सारे के सारे कौन कौन से, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, पेप्टाइड हार्मोन है सारे, सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टिडेज, रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन वगैरह वगैरह, ये सारे पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड है जाने। और एक रिलैक्सिन हार्मोन जो गर्भ प्रेगनेंसी के समय रिलीज होता है, रिलैक्सिन, और एक वो एचसीजी हार्मोन, ये प्रेगनेंसी के समय आता है, ह्यूमन, पूरा नाम लिख देता हूं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो ट्रोपिन हार्मोन, ये सारे इसी कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चौथी, वो है ग्लाइकोप्रोटीन के हार्मोन, कौन से, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, क्लियर। उसमें कौन कौन से हार्मोन आएंगे देखिए आप, एफएसएच, एलएच और टीएसएच, एफएसएच, एलएच और टीएसएच, ये डीजी साहब, ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन के हार्मोन है। लिखिए फटाफट आप ये क्लासिफिकेशन, फिर और बढ़ते हैं आगे। लिखिए साहब ये सब हार्मोन्स, हो गया। चलिए सर, अब अपन पांचवी कैटेगरी लगाते हैं,
ये सारे प्रोटीन के थे, आपने नोट किया होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं ये शॉर्ट चेन लॉन्ग चेन सारे प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, ये प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन सारे के सारे। ऐसे अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही कैटेगरी, एक तो एमिनो एसिड की हो गई और दूसरी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड वगैरह सबको मिला के एनसीईआरटी ने एक में लिख दिया, ये सारे हार्मोन उसके अंदर आ गए सेकंड कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं तीसरी कैटेगरी, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीसरी और हमारे अकॉर्डिंग पांचवी है, कौन सी, इसको अपन कहते हैं स्टीरोइडल हार्मोन। कौन से, स्टीरोइडल हार्मोन। तो सीधा सा फंडा स्टीरोइडल की तो सीधी परिभाषा है, स्टीरोइडल हार्मोन, स्टीरोइडल हॉर्मोन्स, बहुत सिंपल है। जो स्टीरोइडल हॉर्मोन है आप जानते ही हो कौन कौन से होंगे, वे हार्मोन हार्मोन जो कोलेस्टेरॉल से बने हो या कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न से बने हो या उसके व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव हो। करेक्ट, वो हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बने हो या उसके डेरिवेटिव हो। ठीक है, अगली बात, एग्जाम्पल ले लें तो कौन कौन से वो हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न से बने हैं। तो स्टीरोइडल हार्मोन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि स्टीरोइडल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन ले लो आप सारे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कौन कौन से, एक तो एल्डोस्टेरोन, दूसरा कोर्टिसोल, तीसरा पता ही आपको ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, क्लियर, या इसको ये भी बोलते हैं इस्ट्रा डायोल, एक ही बात है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज है पर वो चीज वही है। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब आ गए, प्रोजेस्टेरोन भी ले लो, अगर ले लो एक ले लो कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन कौन से आ गए आपके स्टीरोइड पर करती है, ध्यान रखना, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये आ गए आपके कौन से प्रकृति के, स्टीरोइडल प्रकृति के हार्मोन। अब लिखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीन हो गई, एमिनो एसिड डेरिवेटिव एक नंबर, दूसरा प्रोटीन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड को दो नंबर अपने सबको मिक्स कर दिया, जो भी क्लासिफिकेशन अपने किया था दो नंबर तीन नंबर और चार नंबर वाला उन सबको मिला के एक कैटेगरी में ले सकते हैं अपन, वो सारे प्रोटीन के डेरिवेटिव है चाहे वो पेप्टाइड हो चाहे पॉलीपेप्टाइड हो। तीसरी कैटेगरी कौन सी आ गई, स्टीरोइडल हार्मोन। ठीक है, और चौथी कैटेगरी आ जाएगी वो लास्ट बची है अपने, ठीक है ना, वो थायरोइडो आयरोनिन होगी जो होगी सिक्स और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगी फोर्थ। लिखिए फटाफट ये पहले, फिर अपन अगली वाली लिखते हैं कैटेगरी। लिखिए आप, हो गया, चलिए सर ये आपकी हो गई स्टीरोइडल प्रकृति। अब लास्ट लगाइए जो है आयोडोथायरोनिन, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का एक अलग ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ध्यान रखिएगा ये लीजिए सर। नेक्स्ट लगाइए सिक्स्थ कैटेगरी, इसका नाम है आपके आयोडोथायरोनिन हॉर्मोन्स। क्लियर, ये क्या होता है, ये बेसिकली है कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं T3 एंड T4, यानी कि सीधी सी भाषा में कहता हूं थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा, T3 T4 कौन सा, ये थायरोक्सिन हार्मोन।
क्लियर, ये लिखिए फटाफट आप। पहले ये हो गए आपके T3 और T4, ये आपके समाप्त हो जाती है, सीधी सी बात है, पहली रिएक्शन। अब अपन बात करेंगे किस तरह से वसा विलय और जल विलय आपस में एंजाइम कार्य करते हैं। अब जो है नोट लिखना है आपको, स्टीरोइडल हार्मोन वसा में विलय होते हैं, स्टीरोइड जो हार्मोन है जो अपन ने कैटेगरी लिखी थी, स्टीरोइडल हार्मोन वसा में विलय होते हैं, जबकि जल में अविलय होते हैं। जल में अविलय होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इनके रिसेप्टर, इनके यानी इन हार्मोन के, स्टीरोइडल हार्मोन के, पूरा लिख देता हूं, ये लो, स्टीरोइडल हार्मोन के रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, क्लियर। प्रोटीन पेप्टाइड कोमा पॉलीपेप्टाइड के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं, क्लियर। ठीक है ना, इनके तो फिर सेल मेम्ब्रेन पर इनके होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, ये लिखिए आप पहले। फिर अपन बात करते हैं फैट सोल्यूबल एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ते हैं अपन, किसकी, फैट सोल्यूबल या प्रोटीन वाली ले लो, पहले कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। लिखिए फटाफट, हो गया, चलिए। फैट सोल्यूबल पढ़ेंगे पहले, फिर वाटर सोल्यूबल वाला पढ़ लेंगे। चलिए, तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन अब अपन शुरू करेंगे। इतनी देर अपन ने क्लासिफिकेशन कर लिया सारा, कौन सा हार्मोन किस कैटेगरी में आता है, तो अब आप देखिए, आप चलिए साहब फैट सोल्यूबल हार्मोन की बात करते हैं अपन। सबसे पहले ये लीजिए साहब, पहले कौन सा, फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल बट वॉटर इनसोल्यूबल, वसा में विलय और, क्लियर। तो सीधा फंडा है, इनके रिसेप्टर्स सेल के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर, बोले तो न्यूक्लियो प्लाज्म में उपस्थित होते हैं, ध्यान रखना, क्लियर। तो कौन कौन से किसके कहां पर उपस्थित होते हैं आप देखिए, ये सारे के सारे वो हैं, कौन से, स्टीरोइडल हार्मोन, कौन से, स्टीरोइडल हार्मोन, स्टीरोइडल हार्मोन एक तो, दूसरा जाएगा आपके कौन सा, T3 एंड T4 यानी कि थायरोक्सिन, इनके रिसेप्टर कहां होंगे, सेल के अंदर होंगे, ध्यान रखना। और ज्यादा ही स्पेसिफिक हो जाए अगला, तो ध्यान रखना T3 T4 के तो होते हैं साइटोप्लाज्म में,
और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं किसके, स्टीरॉइडल। लेकिन अगर कॉमन क्वेश्चन पूछे कि सेल के अंदर कहां होते हैं तो आपको आंसर ये देना है स्टीरॉइडल और ये दोनों देना है, ठीक है ना। ध्यान रखना T3 T4 के साइटोप्लाज्म होंगे, स्टीरॉइडल हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जितने भी हैं उनके न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं देखिए आप, है ना। ये हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके करके सीधे सेल के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म साइटोसोल में आ जाते हैं। इनको सेल मेम्ब्रेन पे रुकने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है रुकने की जरूरत, क्यों हमें पता है वो किसकी बनी हुई है, फास्ट पोलिपिड की, और फास्ट पोलिपिड एक फैट है और ये भी फैट है, तो फैट फैट में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी ये जो सेल बना रहा हूं मैं, देखो आप इधर ये सेल बना रहा हूं ऐसे सिंपल सेल, ये इसका न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है ना। तो ये आगे इसकी बाहर वाली कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर मान लो कोई हार्मोन आ रहा है, सपोज करो ईस्ट्रोजन हार्मोन आ रहा है, कौन सा रहा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन सीधा इसको क्रॉस करके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका रिसेप्टर है ही नहीं, इसका रिसेप्टर तो यहां पर होगा, ये इस न्यूक्लियस के अंदर होगा, सीधा यहां पर आएगा। ये यहां पर किससे जुड़ेगा ये आपको पता है, रिसेप्टर से जुड़ेगा। इसका रिसेप्टर कहां, न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए डायरेक्ट क्रॉस करके आ जाएगी। ये तो आ गया साइटोप्लाज्म, ये आ गया इसका न्यूक्लियस, तो सीधा अटैक किस पे करेगा, ये न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, यहां आकर अपना जो कार्य करना वो करेगा। तो इसको यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई रोकने वाला नहीं है, सीधी एंट्री है, समझ गया आप। तो ये सीधे साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर मौजूद होते हैं, क्लियर, जो रिसेप्टर से मौजूद होते हैं जो हार्मोन के साथ मिलकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। हार्मोन ये आ गया, हार्मोन ये आ गया रिसेप्टर, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। पता है ना आपको, ये चीजें होती है सारी, हार्मोन और रिसेप्टर साथ मिलकर क्या बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर होती है, ये लिखिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज देखते हैं क्या चीज है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, हो गया ये किया अपने। चलिए अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं पूरा, वसा विलेखा। तो इसके अंदर कौन से, ध्यान रखना न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से, स्टीरॉइडल और स्टीरॉइड में सारे आ गए थे, ईस्ट्रोजन भी स्टीरॉइडल है। अब अपने एनसीईआरटी का डायग्राम बना लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, किस तरह से ये हार्मोन अंदर की ओर जाता है और कैसे बाइंड होता है ये। अब आप देखिए डायग्राम बनाते हैं अपने एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी में इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रखी है, ध्यान से देखना क्या बना रखी है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरी तो नहीं बनाऊंगा इतने समझा रहा हूं आपको, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चारों तरफ ऐसे राउंडेड है अपन इतनी बना दी। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है क्या होती है, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है प्रोटीन, और फिर आ गया फॉस्फोलिपिड, लीजिए फॉस्फोलिपिड बना देता हूं दोनों, बीच में कौन आ जाएगा, प्रोटीन,
इस तरह से बना रखी है एनसीईआरटी ने, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये कैसी है, लिपिड बायलेयर है, लिपिड बायलेयर है। लिपिड बायलेयर का मतलब क्या हुआ, इधर भी लिपिड है देखो आप, इधर भी लिपिड है, ये लिपिड लिपिड दोनों, लिपिड लिपिड में तो वसा विलय होगी तो फैट सोल्यूबल है। तो यहां से मैंने एक हार्मोन लिया हूं मैं इस कलर के अंदर, ये बाहर से एक हार्मोन आ रहा है जिसका नाम है इस्ट्रोजन हार्मोन। हार्मोन किसके अंदर है, ये ब्लड के अंदर है, किसमें, ब्लड में है। कौन सा हार्मोन, इस्ट्रोजन, जिसको शॉर्ट में लिखूंगा ई, करेक्ट। ये इस्ट्रोजन हार्मोन आया, क्लियर। ये इस्ट्रोजन हार्मोन यहां से निकला, ये लीजिए ब्लैक कलर वाला इस्ट्रोजन हार्मोन ये निकला, यहां पे आया, यहां पर कोई रोकेगा इसको, नहीं रोकेगा, क्योंकि वसा में विलय, सीधा अंदर आ जाएंगे, ये सीधा अंदर आ गया, कहां, सेल के अंदर आ गया, क्लियर। सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया, इधर मैं बना रहा हूं यहां पे बड़ा सारा क्या, न्यूक्लियस, ये आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोले तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, करेक्ट। इसके अंदर जो फ्लूड है वो न्यूक्लियो प्लाज्म, यहां से ये सीधा एंट्री करके इसका रिसेप्टर जो होगा वो अंदर होगा, इसलिए यहां रुकेगा नहीं, ये तो सेल का क्या आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, आ गया साइटोसोल, यहां रुकना ही नहीं, क्योंकि यहां इसका रिसेप्टर है ही नहीं, यहां पर वही होगा भाई, इस्ट्रोजन का क्या है, केंद्र के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर है इसका रिसेप्टर, इस्ट्रोजन का रिसेप्टर का है, रिसेप्टर इसका रिसेप्शन का है, जहां पर इसका स्वागत कहां होगा, रिसेप्टर इसके कहां होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। अब न्यूक्लियस में तो वहां जाएगा ये, यहां इसका क्या काम, अब यहां जाकर ये किससे जुड़ेगा, रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ेगा, यहां पर प्रेजेंट है इसका कौन सा, रिसेप्टर प्रोटीन, सही बात है। और इधर से आ गया कौन, ये आपके हार्मोन, ये हार्मोन में डॉट, ये ब्लैक डॉट बना रहा हूं, रिसेप्टर प्रोटीन बन गया, ये दोनों मिलकर यहां पर एक रिजल्टेंट बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, दोनों मिल गए यहां पर। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते ही क्या होगा, अब अंदर मेन चीज कौन है, डीएनए है, करेक्ट। अब इसका मैं डीएनए बना रहा हूं, ये डीएनए सेल का डीएनए होता है, ये डीएनए आ गया, ये बन गया डीएनए, दिख देता हूं इलास, ये लो, ये आ गया डीएनए। इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बना है ये इस डीएनए की किसी एक पर्टिकुलर जीन पर अटैक करेगा, ये पर्टिकुलर जीन पर अटैक करेगा, ये लो, यहां पर क्या है, ये जीन है, क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होती है, जीन होती है, जिसको अपन एलील कहेंगे आगे जाकर, इस पर अटैक करेगा, और इस पर अटैक करके तो डीएनए क्या हो जाएगा, यहां का यहां अटैक होते क्या हो जाएगा, यहां होते क्या हो जाएगा, ये डीएनए क्या हो जाएगा, यहां का ये डीएनए क्या हो जाएगा, अटैक होते क्या होगा, यहां पर हो जाएगा डीएनए क्या हो जाएगा, एक्टिव, एक्टिव यानी सक्रिय हो जाएगा, डीएनए क्या हो गया, सक्रिय हो गया, और सक्रिय होते ही क्या करेगा, ये एमआरएनए का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, यहां से डीएनए इमीडिएट किसका निर्माण करेंगे, यहां से ये डीएनए, ए लगा रहा हूं, ए का मतलब एक्टिवेट हो गया, सक्रिय हो गया, ये किसका निर्माण करेगा, एमआरएनए, कोई ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, एमआरएनए, और एमआरएनए कौन बना रहा है, जो ये हार्मोन है अपने कहे के अकॉर्डिंग एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए बनेगा तो किसका संश्लेषण होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा, किसका संश्लेषण होगा, प्रोटीन का, ये लो प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, यानी सिंथेसिस हुआ, नया प्रोटीन बना है जो अपन चाह रहे थे हार्मोन के द्वारा, क्लियर। ये प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन बाहर आएगा, प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, प्रोटीन बाहर आएगा, प्रोटीन बाहर आने के बाद में क्या बनेगा, ये एंजाइम का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, एंजाइम का निर्माण करेगा, और ये एंजाइम आगे की क्रियाविधि को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, सीधी सी बात, समझ गया आप, इस तरह से ये क्या बनेगा, आपके प्रोटीन बढ़ाएगा और ये उत्तक वर्धी और विभेदन करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, क्या करेगा आपके, ये इस्ट्रोजन का जो फंक्शन है वो लिख दो, टिश्यू की क्या करेगा, ग्रोथ कराएगा, इसको अपन कहेंगे उत्तकों में क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा ताकि एंडोमेट्रियम वापस बन जाए, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को वापस बनाने की जिम्मेदारी आपको पता है, इस्ट्रोजन की है मेंटेन रखने की, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करेगा, ये कोशिकाओं में विभेदन करेगा, क्या करेगा, विभेदन करेगा, सेल्स का विभेदन करना, इस तरह से कार्यक्रम चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये है इस्ट्रोजन हार्मोन।
का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये कौन सा हार्मोन हो गया, स्टीरोइडल हार्मोन है, कौन सा है। अभी हार्मोन की नेचर पे कहता है कि बढ़ाना है घटाना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हार्मोन के ऊपर पड़ेगा। यानी कि देखो यहां से ईस्ट्रोजन आया, सीधा क्रॉस किया, रिसेप्टर इसका काम मौजूद है आपके न्यूक्लियस के अंदर है, क्या बन जाएगा, दोनों जुड़ के बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। फिर किस पे अटैक करेंगे, जीन पे, जीन पे अटैक करते डीएनए को सक्रिय करेंगे, ये डीएनए एक्टिवेट हो गया, ए फोर सक्रिय है यहाँ पर, एक्टिवेट हो गया। फिर एमआरएनए बना, एमआरएनए से एक नया प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, नया प्रोटीन, नया एंजाइम बनेगा जो विभिन्न प्रकार के कार्य करेगा। क्लियर, ये हार्मोन स्टीरोइडल हार्मोन के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप इस तरह से रिएक्शन बताओगे, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए ये उतारिए आप फटाफट, और जो केंद्रक में न्यूक्लियस रिसेप्टर होते हैं कहते हैं इंटर न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये कौन सा है, ये रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर रिसेप्टर, ध्यान रखिएगा इंटर न्यूक्लियर, इंटर यानी अंदर, न्यूक्लियर यानी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, नाम क्या हो गया इंटर न्यूक्लियर रिसेप्टर, कौन सा, ये वाला जो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित है, ध्यान रखिएगा भाई। इंटर यानी मेरे को ना इंटर हो गया ना, तो इंटर कैसे होगा, इसके अंदर है ना, सेल के अंदर है तो ये होगा इंट्रा होगा, इंटर नहीं इंट्रा, क्या लिखोगे इंट्रा, इंट्रा लिखो भाई इसका, इंटर कैसे होगा, सेल के अंदर है, एक ही सेल के अंदर है तो क्या होगा इंट्रा होगा, विद इन सेल है तो इंट्रा होगा। और डीएनए से एमआरएनए बनता था, इसको अपन क्या कहते हैं यहां से, इसको क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। चलो एक मिनट, डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, एक मिनट, ट्रांसक्रिप्शन। और यहां से ये प्रोटीन बनेगा तो इसको बोलेंगे अपन ट्रांसलेशन, इसे डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स है। चलिए साहब, हो गया, ओके गाइस, तो आज अपन ये एक स्टीरोइडल हार्मोन की मैकेनिज्म पढ़ी, कल हम प्रोटीन और उनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कुछ हार्मोन बढ़े हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है, और चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल मिलते हैं आपसे वापस, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।